हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर टू, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हम बोडमास रूल को फॉलो करते हुए सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। बोडमास रूल मींस बी मींस क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट यानी या फिर बिग ब्रैकेट, ओके। देन ऑफ, ओ मींस होता है ऑफ ऑपरेशन, इट मींस मल्टीप्लीकेशन। डी मीन्स डिवीजन, वी मीन एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। यानी बोडमास रूल को फॉलो करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से करना है देखिए, सीखते हैं। जैसे कोई ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब आप इसमें बोडमास रूल को कैसे फॉलो करोगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बी मीन्स होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। देखिए 49 माइनस 7 प्लस 32 डिवाइड बाई 6 माइनस 2, देन 6 माइनस 2 इज़ 4। कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड क्लोज, ठीक है। अब हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन 49 माइनस 7 प्लस 32 डिवाइड बाई 4, तो आंसर आएगा 8, ठीक है। देन 7 प्लस 8 क्या होता है, 15। देन 49 में से 15 माइनस करेंगे तो 34। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक यू।